Here is the question. If the elevation in boiling point of a solution of non-volatile, non-electrolytic and non-associating solute in solvent is y Kelvin, then the depression in freezing point of solution same concentration would be आपको calculate करना है. तो देखो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो. पहली बात आपको दिया क्या है, आपको वो आप देख लो एक बार. आपको एक तो देखो यहां पर बोला है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि आपको डेल्टा टी भी दिया है. एक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी भी फॉर जो भी सॉल्यूट है उसके लिए कितना दिया है, वो वाई केल्विन दिया उसने. कितना दिया है, वाई केल्विन दिया है. फिर क्या दिया उसने, केबी भी दिया है. केबी कितना दिया है, एक्स केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है. दो चीज दी है. फिर आपको क्या बोला है कि जो भी सॉल्यूट है, जो भी ये सॉल्यूट है नॉन वोल्टेड, जो भी सॉल्यूट है उसी कंसंट्रेशन के लिए, उसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन एक और है, उसके लिए आपको क्या निकालनी है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है. ठीक है, देखो समझ ध्यान से. फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है. फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी एफ निकालना आपको. और के एफ आपको दिया है, के एफ कितना दिया है, जेड केल्विन किलोग्राम पर मोल. अगर आपको डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा बेटा, के एफ इंटू मोलेलिटी हो जाएगा. सही है. अगर डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है, के एफ कितना हो जाएगा, जेड इंटू मोलेलिटी. अब आपको क्या चाहिए, मोलेलिटी. अब देखो यहां पर लाइन पढ़ना वापस, ये देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन वुड बी. सेम कंसंट्रेशन मतलब कि जो मोलेलिटी यहां पर है वही मोलेलिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के केस में है. ठीक है, सेम मोलेलिटी का मतलब यही हुआ ना, सेम कंसंट्रेशन का मतलब कि जो कंसंट्रेशन की वैल्यू यहां पर आएगी वो आप कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो. तो बताओ डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी इंटू मोलेलिटी होता है कि नहीं होता है. मोलिटी मुझे यहां से निकाल सकता हूं मैं. देखो क्यों, मेरे पास डेल्टा टी बी है और के बी है. डेल्टा टी बी कितनी है, वाई केल्विन. के बी कितना है, एक्स है. अपॉन में भेज दो, ये कितनी आ गई आपकी मोलिटी, कितनी आ गई, वाई अपॉन एक्स. अब ये मोलिटी उठाओ यहां पर पुट करो, कितना जाएगा, वाई अपॉन एक्स. तो ये आ गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वाई जेड अपॉन एक्स. ये क्या आ गया आपका, डेल्टा टी एफ. तो हियर इज योर आंसर एंड चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन.